दोस्तों बोले भंडारी, आज दिनांक 17 फरवरी 2021। दोस्तों मेरी वीडियो आपके सामने आते रहते हैं। मैं बोर हो गया था, पजल्ड हो गया था। मैं रात को भगवान से कहकर सोया कि मैं नहीं भगवान, मुझे ये वीडियो नहीं बनाने। भाई क्यों? अरे भाई वही नेगेटिव बातें, वही लड़ाई झगड़े भाई, वही आंदोलन भाई, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। खैर करने की कोशिश तो कर रहा हूँ भाई, मैं तो फटअप हो गया, मैं नहीं बनाऊँगा सुबह वीडियो। वह मर गया, बहुत ने किया, वह गवर्नमेंट ऐसी, वह छोटी जात, वह बड़ी जात, क्या चक्कर है भाई? मैं नहीं, मेरा भी दिमाग इन नेगेटिव चीज़ों से भर जाए, वो मेरा नुकसान करेगा, मैं नहीं बनाऊँगा। तो क्या हुआ कि आज सुबह चमत्कार हो गया, ऐसा लगा जैसे कि भगवान मेरे सामने सब्जेक्ट लेकर खड़ा है, बोला आज मंगल तू इस बारे में बोल। ठीक है, पॉजिटिव थिंकिंग द फाउंटेन ऑफ प्लीजर ब्लिस। प्लीजर अलग है, ब्लिस अलग है। प्लीजर सुख है, वो टेम्प्रेरी होता है, ब्लिस आनंद वह परमानेंट। चलो वो तो अलग बात है, आज का हमारा विषय, मैंने कि चलो भगवान मैं बोल देता हूँ। हमें पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में बोलना भी चाहिए। कुछ कुछ मेरे संभाषणों में ऐसा आता रहता है, लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग का नाम लेकर मैंने कभी शायद नहीं बोला। आज सुनिए, हे ईश्वर तू कितना अच्छा है, हे ईश्वर तू कितना अच्छा है, क्योंकि तू जो भी करता है मेरे लिए अच्छा ही करता है, क्योंकि तू जो भी करता है मेरे लिए अच्छा ही करता है। ये असल में क्या है कि यह पॉजिटिव थिंकिंग है, और पॉजिटिव थिंकिंग से यह विचार आए हैं, यह विचार स्थिर हुए हैं, और यह विचार यदि किसी में स्थिर हैं तो समझ लो उसमें पॉजिटिव थिंकिंग है। आजकल मार्केट में पॉजिटिव थिंकिंग की बहुत सी किताबें हैं, आप और हम सबको पढ़ना चाहिए, हमने भी पढ़ी हैं, और पॉजिटिव थिंकिंग हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। ईश्वर मेरे सामने खड़ा है, इसको बताने के बहुत से तरीके हैं, लोग बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, बड़ी बड़ी किताबें हैं, मैं अपनी तरीके से आपको इसको आज बताता हूँ। क्योंकि असल में मैं ये क्या कर रहा हूँ, देश के लिए, दुनिया के लिए, दुनिया को मैं तो समझ रहा हूँ दुनिया को बदलने के एक प्रोग्राम में लगा हुआ हूँ। कम से कम ऐसा परमात्मा चरितार्थ करे या नहीं करे, कम से कम ये तो है कि इस दुनिया ने मुझे कुछ दिया, मैं भी थोड़ा बहुत किसी को दे दूँ, चाहे कितना ही तुच्छ हो। दो तीन एग्जाम्पल से मैं अपनी बात को स्पष्ट करके फिर बताऊंगा कि ये पॉजिटिव थिंकिंग है क्या, उसी से स्पष्ट हो जाएगा। देखिए मेरा एक मित्र है, वह मित्र मेरा असली है, बहुत घनिष्ठ संबंध है। मान लो उसका नाम विकास है, यह विकास काल्पनिक है, वह अलवर में रहता है, उसका निवास स्थान है अपना घर शालीमार, जो कि एक पोस्ट लोकलिटी अलवर की मानी जाती है। दो लड़के हैं, लड़की कोई नहीं है, उसका बायोडाटा देखिए, लड़की कोई नहीं है, दुकान मेन मार्केट में है, कीमत 50 लाख होगी, करोड़ भी हो सकती है, शिक्षा अच्छी है, स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, बीवी भी बहुत अच्छी है, और जैसा आदमी अपने एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस भी रख लेते हैं मौज मजे करने के लिए, तो उसके पास ये 50 अफेयर्स वह बताता रहता है। मित्र है, हमारी बात होती रहती हैं, बैठते हैं, वह हमेशा ये जरूर कहता है जब मिलते हैं तो, अरे यार आजा मंगल, आजा मिलते हैं, क्या कहता रहता है, क्या करें यार, यहाँ तो माया मिली न राम,
वह क्या कहता है, यहाँ तो माया मिली न राम। मैंने कि भाई तुम्हारे साथ तो बहुत जोर का हुआ, जो तुम्हें माया मिली न राम। अब बताओ उसके पास देखिए, पोस्ट लोकल टीम मकान, लड़के दो, जिम्मेवारी देने वाली। या समझ लो कि आज के ज़माने में हम जो दुख पाते हैं, भाई लड़कियां बहुत हो गई, लड़की कोई नहीं, कई हज़ार रुपए देने वाले मेन मार्केट में दुकान, शिक्षा बहुत अच्छी, स्वास्थ्य बहुत अच्छा, बीबी बहुत अच्छी, और एक्स्ट्रा मनोरंजन भी काफ़ी, और वह दुखी है कि क्या करें यार, ऐसे ही ज़िंदगी में चले जाते दिखें, न माया मिली न राम। नेगेटिव थिंकिंग। अच्छा, अब और एक दूसरे किरदार को सुनिए। इस किरदार का नाम है मंगल, यह लेखक यह वक्ता। स्वास्थ्य एक अच्छा, इस समय अपने एक मेन हाईवे पर है, 800 गज के अपने प्लॉट में अपने मकान बनाकर रहता है। बच्चे खूब हैं, शिक्षा एमएससी तक, फिजिक्स तक लिए, शुरुआती नौकरी कस्टम ऑफिसर बना, बैंक में पीओ लगा, 3 बैंकों में। बैंक पीओ लगभग ये डायरेक्ट मैनेजर ही होते हैं, ऐसे समझ लो आप। हसन खां मेवात नगर में कोठी थी, तिजारा रोड पर कोठी थी, तिजारा रोड पर दुकानें थी, पुराना दिल्ली रोड पर दुकानें हैं। अम्बेडकर नगर में प्लॉट था, नौकरी लगा, क्या लगा, डायरेक्ट मैनेजर बैंक में, और वो भी 3 बैंकों में। और उसने उसके क्या, भी हम एक दूसरा किरदार मंगल उसके बारे में बता रहे हैं। और समस्या क्या आई कि वो नौकरी लगते ही लगभग अर्ध डिप्रेशन में चला गया। यार खूब है यार, नौकरी लगते अर्ध डिप्रेशन में चला गया, क्यों चलेगा आई? अरे भाई, ये बैंक के पीओ की नौकरी कोई नौकरी करने लायक है क्या? देखिए अब इसके विचार देखिए, इसका वो देखिए, अरे ये बैंक के पीओ की नौकरी, ये कोई नौकरी करने लायक है? बैंकों में चपरासी की नौकरी नहीं मिलती, क्लर्क की नौकरी नहीं मिलती, डायरेक्ट अफसर की नौकरी। और उसमें उसकी समस्या है, वो डिप्रेशन में जाता है, क्यों? कि अरे ये कोई नौकरी करने लायक है क्या? बैंक ऑफिसर, अरे ये तो ऑफिसर का नाम इसमें बेकार लगा रखा है, कोई कहना मानता ही नहीं है, इसके हाथ में पावर ही नहीं है, ये कोई है क्या? अरे वो देखो नौकरी, वह SDM है, वह DM है, वह SP है। भाई मेरा क्या दुर्भाग्य था यार, भगवान ने की बहुत जोर की, क्या बहुत जोर की, कि मुझे वो नहीं बनाया। और वह पट्टा क्या है कि जो मौज मजे करना चाहिए वह डिप्रेशन में जाता है, रात दिन ये सोचता है कि भाई बहुत बुरा किया, अरे देखो ये स्टाफ ही कहना नहीं मानता, इनका कोई CR भी लिखे नहीं, उस समय नहीं लिखते थे, अब तो पता नहीं, और जिनका कोई ट्रांसफ़र करा नहीं सकता, ये क्लर्क लोग काम करते नहीं, आंखें और दिखाते हैं, अपना टाइम हुआ रजिस्टरों को छोड़ छोड़ कर चले जाते हैं, फिर हम लगे रहो। भाई बहुत जोर की हुई भगवान, भाई तूने बहुत खराब किया, तू तो भगवान बहुत बुरा है। एंड दिस थॉट वाज द रीजन ऑफ स्लाइट डिप्रेशन। देखिए अब एक हमारा तीसरा किरदार लीजिए, हमारे मकान के आगे से एक औरत जाती है रोजाना मजदूरी करने, डिस्टिलरीज में बोतल सप्लाई करने वाली कंपनी में बोतलों की धुलाई करती है, काम है मजदूरी, उम्र है लगभग 60 साल।
उसके लड़की हैं, डॉटर्स हैं 6, लड़के हैं 2। बीमारी देखिए, 6 लड़कियां 2 लड़के, स्वास्थ्य अति उत्तम है। और अभी तो ऐसा लगता है, उसकी चाल देखो तो ऐसा लगता है जैसे फीमेल डियर, यानी जैसे कोई हिरणी चल रही हो। चेहरे पर हमेशा मुस्कान, हिम्मत से भरा हुआ मादा। इन सभी किरदारों का जब हम अध्ययन करते हैं, और वैसे भी अध्ययन करते हैं, तो आप पाओगे कि जीवन में सुख या दुख हमारे विचारों पर निर्भर करते हैं, कि हमारे विचार कैसे बने। या तो परिस्थितियों के अनुसार हमारे विचार बन गए, या फिर हमने सोच समझ कर बना लिए कि भाई यह विचार रखने हैं तो ऐसा होगा। यह विचार रख लिए तो ऐसा होगा। किसी को कितनी जिम्मेवारियों में, दबाव में, जिसका देखो जीवन कितना अति उत्तम है। और कई गृहिणियों को देखो, सब कुछ बिना मांगे घर पहुंच जाता है, जिनके देखो जिनसे चला नहीं जाता। ये मेरा मित्र देखो, ये जो विकास नाम मैंने रखा है, उसके सामने देखो आनंद ही आनंद बिखरा पड़ा है, और अपने विचारों से, अपने शब्दों से वो क्रिएट करता है। अरे यार, मंगल मर गए, न माया मिली न राम, भाई उसे क्या चाहिए। और अब ये देखो मंगल, देखो ऐसा ऐसा इसको मिला, सब कुछ अच्छा अच्छा, तो भी वो डिप्रेशन में चला गया लगभग। और अब वो बड़ा राजी है। जब हसन का मेवात नगर की कोठी बिक गई, तिजारा रोड की दुकान बिक गई, अम्बेडकर नगर का प्लॉट भी चला गया, लेकिन कुछ विचारों का प्रभाव हुआ कि कुछ बचा जिसने, वो कहता है कि ईश्वर तू कितना अच्छा है, क्योंकि तू जो भी करता है अच्छा ही करता है, तेरी दुनिया में आनंद के अलावा ही कुछ नहीं है। यहाँ कोई लॉस नहीं है, यहाँ कोई दुख नहीं है, यहाँ कोई दुश्मन नहीं है। अरे यहाँ जिधर देखो जिधर आनंद के फव्वारे फूटे पड़ते हैं। ये सब कैसे हुआ? ये सारा विचारों का परिणाम है, आपकी सोच का परिणाम है। और उसी के बारे में हम ये बता रहे हैं, पॉजिटिव थिंकिंग द फाउंटेन ऑफ प्लेजर द ब्लिस, द फार्मूला ऑफ प्लेजर एंड ब्लिस। अब हम वह बताने जा रहे हैं, यद्यपि इन्हीं से पता चल गया कि हम क्या बताने जा रहे हैं, हमने क्या बताया है। तो हमारे दिमाग का, माइंड के बारे में देखिए, माइंड क्या है? हम ब्रेन को जानते हैं, हम माइंड को भी जानते हैं, लेकिन इतना नहीं जितना हम ब्रेन को जानते हैं। भाई ब्रेन तो क्या है? ये हमारी खोपड़ी में अंदर का जो हिस्सा, ये ब्रेन है। माइंड क्या है? भाई माइंड है तो सही, लेकिन ये पता नहीं यार क्या है, कैसे काम करता है। चलो ये हमें पता नहीं हो, इसको ऐसे ही समझ लो जैसे बिजली है तो सही, बिजली के गुण धर्म मालूम करके हम उससे बड़े बड़े काम कराते रहते हैं, लेकिन ये पता नहीं यार ये बिजली आखिरकार है क्या। एंड इवन द ग्रेट साइंटिस्ट इवन डू नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली लाइट इज, इलेक्ट्रिसिटी इज। ऐसे ही हमारे दिमाग का खेल है। दिमाग एक अद्भुत टूल है, और सही पूछा जाए तो सारे ब्रह्मांड में, सारी दुनिया में दिमाग का ही खेल है, लेकिन हमें इसे पता ही नहीं, हमें इसका पता ही नहीं। अब इसका एक खास प्रॉपर्टी नोट करिए, व्हाट एवर यू कीप इन योर माइंड विल कम टू यू। देखिए बड़ा अद्भुत वाक्य है, आप पहले से जानते होंगे, कोई बात नहीं, बिगिनर्स के लिए एक अच्छा है। व्हाट यू कीप इन माइंड विल कम टू यू, आपके दिमाग में वही आपके जीवन में वही आएगा जो आपके दिमाग में भरा हुआ है। छोटा सा है, लेकिन इसको आप जितना गहराई से सोचेंगे,
आपके जीवन में आनंद के फवारे उतनी फूटेंगे क्या, व्हाट एवर यू कीप इन योर माइंड वेलकम टू यू। अब सिर्फ एक चीज़ की जरूरत है कि आप अपने दिमाग में क्या रखते हैं, आपके दिमाग में आखिरकार चलता क्या है, हमें इसी का मालूम नहीं है और मेनली तो हमारे दुख दर्द का कारण ही है क्या, कि हमें पता नहीं कि हमारे दिमाग में जो हमने रखा हुआ है उसी से हमारा जीवन चल रहा है, ये पता नहीं। उसके बाद ये पता भी है, जैसे हम जैसे लोगों को पता भी है तो फिर हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, उसको हमेशा याद नहीं रख पाते, ज़्यादातर याद नहीं रख पाते कि भाई ऐसा ऐसा करो। हमारे साथ क्या होता है, कोई निगेटिव घटना घटी, कोई निगेटिव इवेंट घटी, उसने आदमी ने धोखा दे दिया या किसी आदमी ने धोखा दे दिया, चोरी कर ली या ऐसा वैसा करे, बुराई करी, ये उसने हमारे रात दिन हमारे ऐसा होता रहता है, तो क्या है कि अब हमारे दिमाग में विचार चलने लगते हैं, क्या कोई बदमाश है, वह लफंगा है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं उसके साथ ऐसा करूँगा, भगवान उसका ऐसा कर दे, अब उसको छोड़ना नहीं है, अरे वो तो मरेगा, इत्यादि इत्यादि एक श्रृंखला चल पड़ती है। एक उसकी वजह से हमें ये पता नहीं चलता कि ये विचार हमको ही सबसे पहले नुकसान देंगे, बिकॉज व्हाट एवर विल कम विल इन अवर लाइफ विल कम फ्रॉम योर माइंड एंड व्हाट वी आर कीपिंग इन अवर माइंड दैट इज निगेटिव। वह ऐसा है, उसने ऐसा किया, मैं उसको मार दूंगा, अरे वो तो मर जाएगा, ये कल्पना, ये विचार, ये उधेड़ बुनी, ये बार बार का सोचना ही हमारे जीवन के प्लस माइनस जो आते हैं अच्छे बुरे उसका कारण है। हमको ये पता नहीं कि हमारे जीवन में ये जो आ रहा है वह उसको हम ही लिवा रहे हैं। ये जो पिक्चर चल रही है उसके डायरेक्टर तो हम ही हैं, और हम क्या कहते हैं, यार ये छोरे ने मरवा दिया, यार ये पड़ोसी ने बड़ा बुरा किया, ये मैडम मेरी अच्छी ऐसी होती ना तो मेरे बल्ले बल्ले हो जाती, क्योंकि मैं तो यार बहुत ही उच्च क्वालिटी का हूँ ही, ज़्यादातर ये सोचते हैं। लेकिन असल में यह है कि वह सारी पिक्चर के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, मेकर, एक्टर जो भी हैं वो हम ही हैं। जो भी किसी के जीवन में जो घटना आई, चाहे कैसी भी आई, यदि हमारे विचार होंगे तो हम ऐसा ही बोलेंगे कि अरे मंगल क्या करें यहाँ तो माया मिली ने राम, एंड दिस थॉट विल प्रोड्यूस अगेन नेगेटिव थॉट्स एंड विल एक नेगेटिव थॉट्स विल क्रिएट नेगेटिव इवेंट्स। अब बताओ, बाद में मेरे समझ में आया कि मंगल भगवान ने तुझे क्या क्या दिया, क्या क्या दिया, कितना अच्छा स्वास्थ्य, कितनी अच्छी शिक्षा, एक छोटे से साधारण किसान परिवार में जन्म लेकर भी, और तू क्या सोचता है, अरे ये कोई नौकरी करने लायक है, बैंक मैनेजरों की नौकरी मिलती ही कितनों को है, और विचार कहाँ से केंद्रित किए कि मैं SDM नहीं बना और IPS नहीं बना, मैं तो लायक था ही, ये कोई नौकरी है। उसकी वजह से उल्टा हम अपने ब्लेसिंग्स को भी नरक बना देते हैं। इसलिए पॉजिटिव थिंकिंग क्या है कि अच्छा अच्छा ही सोचो, अच्छा अच्छा ही देखो, अच्छा अच्छा ही पढ़ो, अच्छा अच्छा ही करो, सुबह सुबह न्यूज देखो ही मत नेगेटिव वाली, पॉजिटिव ही करो, और आपके जीवन में अच्छा अच्छा ही होता जाएगा, और आप इस लायक हो जाएंगे कि औरों के लिए भी अच्छा अच्छा ही करें, देश और दुनिया के लिए भी यदि ईश्वर ने चाहा तो अच्छा अच्छा ही करेंगे, थोड़ा थोड़ा जितना आइए, जितना बस की हो तो वो तो करते जाइए, फिर आप देखेंगे बाय दिस पॉजिटिव थिंकिंग ए फाउंटेन ऑफ प्लीजर ए ब्लिस ए फार्मूला ऑफ प्लीजर एंड ब्लिस विल कम टू यू विल इमर्ज, और आपके जीवन में एक खिड़की खुलेगी, ये आपके जीवन में एक खिड़की खुलेगी, ये खिड़की एक ईश्वर की खिड़की है, आप देखोगे चाहे आपके साथ कुछ भी हो, यू विल से हो परमात्मा आपने तो बड़ा अच्छा किया, और आपको लगेगा कि देखो ईश्वर तो मेरे सामने खड़ा है, एंड इट इज़ ए रियलिटी। आज इतना ही, जय हिंद, जय भारत।